नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जो सीएनजी की जो कार्स हैं उसमें अगर बात करें तो मारुति और जो आपकी ये हुंडई है और आपकी ये टाटा है, टाटा ने क्या अभी एंट्री करी है जो टियागो है उसके साथ में, लेकिन हुंडई और मारुति इन दोनों कंपनियों का ही सीएनजी के जो मॉडल्स हैं उन पर कब्जा है। आप कोई सी गाड़ी देख लीजिए, अगर सीएनजी कोई गाड़ी आई है तो आपको हुंडई में या मारुति में सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गाड़ी यही तो हैं, मार्केट में और बहुत सारी गाड़ियां हैं तो जिनके दीवाने अलग अलग हैं। दोस्तों, जो टोयोटा की जो गाड़ी है ग्लेंजा, जो उसके जो दीवाने हैं उनके लिए दोस्तों गुड न्यूज़ है। जो लोग अभी तक पेट्रोल में ग्लेंजा चला रहे हैं उनके लिए सीएनजी में ग्लेंजा लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, सभी के लिए गुड न्यूज़ है। तो वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन सा इंजन, कितना प्राइस, कितना एवरेज, कब लॉन्च होगी, इस सब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो ग्लेंजा का जो ये मॉडल है, इसमें आपको अभी तक आप सबने देखा होगा कि आप पेट्रोल में चला रहे हैं और अब इसमें आपको सीएनजी मिलने वाली है। तो इसमें आपको सीएनजी में भी आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे जो इसमें आप शुरू से देखते आ रहे हैं, एक एस है, एक जी है और एक वी है। तो आपको सीएनजी में भी ये तीनों मॉडल आपको देखने को इसमें मिल जाएंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इंजन की। दोस्तों, इसमें जो इंजन आपको मिलने वाला है वही 1.2 लीटर और चार सिलेंडर में आपको इसका जो इंजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि 6000 RPM पर 76 BHP का जो है टॉर्क वो ये जनरेट करेगी। आप सभी जो अब तक चला रहे हैं पेट्रोल में वो शायद 80+ BHP का टॉर्क देती है, लेकिन सीएनजी में थोड़ा कम हो जाएगा, 76 BHP तक ये आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सीएनजी जो होती है वो पेट्रोल के बराबर परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, तो थोड़ा सा फर्क उसमें आ जाता है जो कि जिसका कि मालूम भी नहीं होता। दोस्तों, अब गियर बॉक्स की बात करें कि ये ऑटोमेटिक में आएगी, मैनुअल में आएगी। दोस्तों, जितने भी मॉडल्स के सीएनजी के जो आएंगे वो सब ही मैनुअल ही इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ऑटोमेटिक कोई भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इसका जो माइलेज है वो कितना होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो ग्लेंजा है वो पेट्रोल में लगभग 22-22.5 का एवरेज कंपनी वो क्लेम करती है, हालांकि जो एक्चुअल में है वो थोड़ा और कम हो जाता है जब इंडियन रोड्स पर वो गाड़ी चलती है। लेकिन जो इसका जो अंदाज लगाया जा रहा है, जो लीक्स हैं वो बता रहे हैं कि जो इसका जो सीएनजी पर जो एवरेज होने वाला है वो लगभग 25 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2 से 3 का KMPL का जो आपका एवरेज है वो बढ़ जाएगा। अब बाकी तो जब पता चलेगा, जब गाड़ी लॉन्च हो जाती है, इंडियन रोड्स पर आ जाती है, तब पता चलता है कि कितना होगा। लेकिन जो फिलहाल जो रूमर्स हैं वो यही हैं कि 25 के आसपास आपको इसमें एवरेज देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, अभी आपको सबको पता है उसकी प्राइस के बारे में बात कर लें, आप सबको पता है कि जो उसका जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो लगभग लगभग 7.5 लाख से लेकर के 9.5 लाख रुपये तक का है जो उसका पेट्रोल का जो प्राइस है। अब आप सभी को पता है जो कंपनी फिटेड जो गाड़ियां आती हैं उनका एवरेज और पेट्रोल के एवरेज में लगभग लगभग 70-80 हज़ार रुपये तक हाइक चली जाती है। तो अगर इसका जो बेस मॉडल 7.5 लाख रुपये है तो आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 8.25 के आसपास तक भी जा सकती है, और बाकी कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो कितना इसका प्राइस रखती है। दोस्तों, अगर इसकी लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो कंपनी ने अभी से कोई लॉन्च डेट नहीं रखी है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी, और जो लोग ग्लेंजा को सीएनजी चलाना चाहते हैं उनके लिए मार्केट में अवेलेबल बहुत जल्दी हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।